गेस्ट इन न्यूज़ रूम के हमारे खास प्रोग्राम में आज हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश में सबसे अनुभवी राजनेता श्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद पटेल जी केंद्र में 3 बार मंत्री रहे और इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री। प्रहलाद जी, आपका स्टार न्यूज़ के इस न्यूज़ रूम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये हमारा न्यूज़ रूम है और इस न्यूज़ रूम में आप देख सकते हैं कि सब कुछ नया नया है और यह हमने आपके लिए कुछ तस्वीरें सजोई हुई हैं और जिसमें आपकी पूरी जो शुरुआत से लेके ये आपकी काफ़ी पुरानी है। प्यारेलाल जी, प्यारेलाल जी, तो आपके आदर्श तो प्यारेलाल जी रहे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। संगठन में काम करते समय सबसे जो बेहतर समन्वय मेरा था और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो चीज़ें जो टिप्स उन्होंने हमको दी वो माननीय प्यारेलाल जी थे। होता क्या है कि काम तो आप करते हैं लेकिन मन की बात खुलकर किससे कह सकते हैं, ये बड़ी बात होती है। वो इसने मुझे प्यारेलाल जी का मिला और उसके बाद फिर नहीं लगातार, फिर बाद में काफ़ी लंबा समय हमारा और प्यारेलाल जी का रहा है। उनके नहीं रहने के बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली लेकिन कोई ऐसा कोई इतना अंतरंग कोई चर्चा हो सके, लेकिन वो संगठन में अनौपचारिक रूप से कैसे चर्चा होनी, कैसे मन खोलकर बात करना, ये बताने का काम प्यारेलाल जी ने किया। पर आपने कभी सोचा था कि नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव सरीके एक छोटे कस्बे से निकला एक युवा जबलपुर पढ़ने जाएगा और फिर छात्र जीवन के संघर्ष और फिर दिल्ली में केंद्र में 3 बार मंत्री। जबलपुर में तो पढ़ने का तो तय था क्योंकि मुझसे बड़े वाले भाई वहाँ इंजीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो पढ़ाई के प्रति हमारे पिताजी का बड़ा स्पष्ट मत था कि पढ़ाना है तो पढ़ने जाना है, ये तो पक्का था। पढ़ने में ठीक थे पर जबलपुर जाने के बाद जो परिस्थिति बनी, तो जब आपातकाल के बाद की जो परिस्थितियाँ थीं वो हमारे छात्रावास में हमको सबको प्रभावित किया उसने, तो उसके बाद जो छात्र राजनीति का दौर चला तो उसमें चीज़ें फिर बदली और मैं मानता हूँ कि वो बदलाव शायद प्रकृति ने किया था, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। मगर जबलपुर तो ऐसे भी छात्र राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। शरद यादव, आप, गोविंद यादव, तमाम लोग, शरद जी से क्या सीखा कुछ? वो आपने उस समय थे, आप निकल गए थे तब आप थे। ये घटना हम जब फर्स्ट ईयर में ही थे तो हमारे एक साथी की हत्या हुई थी, उस बात को लेकर शरद भाई से हम लोगों के मतभेद हुए और वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था कि वो सोशलिस्ट थे, हम राष्ट्रवाद की बात लेकर चल रहे थे। उम्र मेरी कम थी लेकिन सबसे पहला विवाद मेरा शरद भाई से हुआ, लेकिन चीज़ें चलती गईं, फिर आरक्षण की बात आई तब भी और खुलकर मतभेद सामने आए। दुर्भाग्य से बात यह भी है कि उस समय कहीं ना कहीं शरद भाई की राजनीति में भी वो परिस्थितियाँ पैदा हुई। मतभेद होते रहे लेकिन चूंकि वो मेरे सीनियर थे तो सम्मान हमेशा मैंने शरद भाई को दिया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शरद भाई का सम्मान किया हो। तो छात्र जीवन में लड़ाई झगड़े ही बहुत हुए होंगे। बहुत ज़्यादा शायद मेरे ऊपर तो एक समय 35-36 मुकदमे थे और अर्जुन सिंह जी से लेकर दिग्विजय सिंह तक ये क्रम मुझ पर या मेरे परिवार पर जारी रहा, लेकिन वो उस समय छात्र राज्य के दौर में अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे जब ये मुकदमों का अंबार लगा हुआ। मगर आप बहुत कम उम्र में छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे, शायद 81 में रॉबर्टसन कॉलेज के, 80 में। तो छात्र संघ के अध्यक्ष और फिर ठीक 8-9 साल बाद सिवनी से सांसद, क्या कहेंगे इसका कभी? मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष बना तो विश्वविद्यालय, उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो ये तय हुआ कि इनको एडमिशन नहीं देना। अच्छा। तो मुझे सशर्त एडमिशन दिया गया कि आप कॉलेज नहीं आएंगे इस शर्त पर, चुनाव के बाद मिलेगा पहली शर्त थी, दूसरी शर्त थी कि आप कॉलेज नहीं आएंगे, अटेंडेंस आपको मिलेगी। अब क्यों होता उल्टा है, छात्र नेता अटेंडेंस मांगते हैं, हमारे साथ उल्टा हुआ कि आपको एडमिशन मिलेगा, एक तो चुनाव के बाद मिलेगा ताकि चुनाव ना लड़ सको, पर दूसरी बार ये तय हुआ कि आप कॉलेज नहीं जाएंगे, आप सीधे परीक्षा देने आएंगे।
तो मैं भी खुश हो गया। तब तक मुझे पार्टी ने युवा मोर्चे का काम दिया, तो पहले नरसिंहपुर का संयोजक बनाकर पहुंचाया, तो मैंने सब जगह दौरे करके बता दिया कि ये संगठन है, किसी को अध्यक्ष बना दीजिए। पता चला कि जिला अध्यक्ष हमको ही बना दिया। अच्छा, ये मेरे छात्र संघ अध्यक्ष के समय का फोटो है। तो मगर आपके दोस्त लोग तो आपको पहले से ही मान के चलते थे कि आप तो सांसद बनोगे, कि आपके उन्हें सांसद बनने का ख्याल था क्या? हम लोग उस समय प्रस्तुति नहीं थी कि हम सांसद विधायक बन सकते हैं। गोटेगांव में कांग्रेस का राज था, वहाँ गोटेगांव स्ट्रॉन्च कांग्रेस का जनसंपर्क था, व्यापक था, कि हम लोग 82 में इनको सिवनी सांसद बोलने लगे थे। ये बुरा मान जाते थे कि सिवनी सांसद मत बोलो, मजाक में बनाओ, परंतु साकार हुआ, हम सबकी सपने साकार हुए और जो हम लोग सांसद सिवनी बोलते थे वो वाकई सिवनी के सांसद सबसे कम उम्र में बने। 1989 में चुनाव लड़ा, जीते और आज निरंतर तरक्की की ओर है। और सबसे बड़ा इनके अंदर है सच्चाई के साथ जीने की क्षमता। कठिन से कठिन हालातों में, न्यूनतम परिस्थितियों के साथ, विकट स्थितियों में भी अपने जज्बातों को दबाना ना और देश के हित के लिए कार्य करना। तो ये तो पहले ही आपको पहले से नहीं, बाबा मेरे दोस्त हैं अंशुमन शुक्ला और ये इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। अच्छा। और उसके पहले जूनियर होने के बाद भी वो चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरे बार बड़े प्रचंड बहुत से जीते। बाबा ने अपनी माँ की सेवा के लिए शादी नहीं की है और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है बाबा का। इनने जुवेनाइल के लिए बड़ा काम किया। अच्छा। और अभी भी वो काम कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी उसी में लगाते हैं। तो बाबा ये बात कह सकते हैं, बाबा हम सब मजाक करते थे, मैं उनको बाबा बोलता हूँ, हम दोनों मित्र हैं। उनका एक बयान और है कि हम तो प्रहलाद जी पे इतने मुकदमे होते थे कि जमानतदार थे हमारे हमारे पास किसी के पास कागज़ नहीं होता था। इनके पास में इनके घर सिविल लाइन्स में घर है, पिताजी प्रोफेसर थे, वो नहीं रहे, तो एक बहुत पढ़ा लिखा परिवार है, तो इनके पास में मकान के कागज होते थे, तो जमानत लेने के लिए बाबा हमारे लिए हमेशा आते थे। बहुत सारे किस्से उन्हें हम लोगों को सुनाए और एक किस्सा और बड़ा अच्छा है सुनाया, वो बम वाला किस्सा कौन सा है? तो आपसे सीनियर रही है? नहीं नहीं, मेरे साथ है। 1978 से लेकर 1984 तक हिंसक दौर था, छात्र गुटों में टकराव होता था। घर से निकलते थे तो सोचते थे कि मरकर जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, जेल जाएंगे, ये कुछ तय नहीं था। सब रिवॉल्वर, चाकू, पिस्तौल, बम लेकर चलते थे, गुट के गुट आपस में संघर्ष करते थे, बहुत जीवटता के साथ संघर्ष करते थे। इनने हमको एक बार प्रहलाद सिंह पटेल ने बम दे दिया कि जी रखे रहना, कोई बात हुई तो काम आएगा। हम बम लेकर जा रहे थे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, रस्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। वो बम का 16 साल केस चला हमारे ऊपर, पुलिस ने मारा पीटा ही बहुत, कहाँ से लाए, कैसे लाए, पर हमने इनका नाम नहीं बताया, अपने ऊपर पूरा ले लिया। वो केस हमारे पास 16 साल चला, 16 साल बाद ये मालूम पड़ा कि बम था ही नहीं, मिट्टी का लोदा था, और 16 साल हम केस को लड़ते रह गए। बाद में इनसे पूछा क्या दिए थे, बोले हमें खुद नहीं मालूम, हम तो भैया रखे थे ऊपर हॉस्टल के कमरे में कि दूसरा गुट आए तो उसको दिखा सके कि देखो बम है हमारे पास, हमसे लड़ना मत, नहीं तो बम हम फेंक देंगे। तो बम था नहीं, 16 साल केस चला। उसमें झगड़े बहुत थे, शहर के लोगों से बहुत झगड़े होते थे, और छात्रावास उस समय की राजनीति हिंसक राजनीति थी। तो चूँकि बाबा दूर जाते थे इंजीनियरिंग कॉलेज, ये रहते बचपड़ी में थे जहाँ हमारा कॉलेज था, तो पर इनको जाना पड़ता था साइकिल से, इनके पास मोटरसाइकिल भी थी, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज जाते थे। तो उस समय की बात ये बता रहे हैं, जब ये उस समय उस राजनीति को मिस करते हो कि नहीं आप? क्या लगता था उस समय की राजनीति जो हिंसक राजनीति होती थी इस तरीके से डेमोक्रेसी में बदलेगी, क्या मंत्री का दायित्व मिलेगा आपको? नहीं, मुझे लगता है कि उस समय आत्मरक्षा के लिए दूसरा विकल्प आपके पास था नहीं, और शहर में जो जबलपुर का शहर था उसमें जो उस समय की जो गुंडागर्दी थी या जो बाकी हिंसक चीज़ें थी, अब मेरे बारे में तो बाकी और भी जानकारियां होंगी, मैं शहर जाता था, मेरी कोई बहुत हेल्थ वेल्थ भी ऐसी नहीं थी। बाद में मैं पूछता था जब ये सब दौर निकल गया कि भाई हमसे क्यों तुम लोग इतने डरते थे, मेरे में तो शरीर में कोई, हाँ मुझे जूडे कराटे आते थे, भाई एक्सरसाइज भी, ये सब ठीक है, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं थी। तो मगर मैं डरता नहीं था, मेरा एक स्वभाव था जिस कारण से शायद लोग पीछे हमारे साथ खड़े भी होते थे। मगर आपकी इस पर्सनैलिटी तो पहले ही थी, तो लोग डरते तो देख के होंगे ऐसे। दुबला पतला आदमी था, आप उसके फोटो में देखोगे तो पता चलेगा। अच्छा। बल्कि मैं पूछता था कि भाई तुम तो पहलवान लोग हो, तुम डरते क्यों? पर अभी बीच में उनसे बात, सब ईश्वर की कृपा मानता हूँ। अभी उस दौर में हम जैसे लोगों का जिंदा बचना पर भी अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि उस समय एबीपी में काम करना, उस समय एबीपी का उतना काम जबलपुर में नहीं था, खाली हम होम साइंस कॉलेज में एबीपी की पैनल लड़ती थी,
हम लोग तो इंडिपेंडेंट होस्टल पैनल की तरफ से ही लड़ते थे उस समय तक। मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद वहाँ विद्यार्थी परिषद का काम शुरू हुआ। मगर आपका एक रूप और भी है जो हम लोगों को याद आता है, हम लोगों ने आपको बहुत पहले से देखा हुआ है, वो परिक्रमा वाला, वो परिक्रमा वाला रूप, और तो वो कैसे भाव आया आपको? नहीं, मैं धार्मिक तो शुरू से था। जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं नवरात्रि मौन करता था। मेरे एक मित्र थे स्वर्गीय शिव चौधरी, उनका निधन नवरात्र में हुआ था। तो 81 से लेकर 89 तक कोई नवरात्रि ऐसी नहीं थी जिसमें मैं मौन ना रहा हूँ, तो मैं मौन रहता था। तो धार्मिक आस्था तो परिवार की पृष्ठभूमि होती है। पर ये लंबी लंबी दाढ़ी, बाबा बैरागी जैसा आपका कलेवर, ये बताइए। ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है, उनके आशीर्वाद का परिणाम है। देखिए, अगर हम चीज़ों को सुधर पाए या चीज़ों को छोड़ पाए तो उसमें अगर किसी का योगदान है तो परम पूज्य श्री वासु जी का, अन्यथा मैं कभी किसी बात को लिए पैर पीछे नहीं करता था, चाहे विपरीत कितनी परिस्थितियाँ हों, और उसमें जो भी परिणाम आए उस परिणाम की चिंता हमने कभी की नहीं। तो मुझे लगता है कि खान पान की दृष्टि से या बाकी चीज़ों के संयम की बातें मैं करूँ तो एक समय के बाद लोग बिगड़ते हैं, हमको सुधरने का मौका मिला, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पर आपका वो जो कलेवा था, हमने आपको पार्लियामेंट में भी देखा है उसी रूप में जाते थे, सफ़ेद धोती, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और तो उस रूप से कभी इस रूप में हम आपको देख पाएंगे कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, हमारे आराध्य परमपुर शिवासी जी ने मुझे कहा था, हम तुम्हें साधु बनाने के लिए नहीं लाए, साधुता सिखाने के लिए लाए, तो जीवन में वापस तो जाना पड़ेगा। ये बात उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कही। ये सच है कि मेरा मन वापसी का नहीं था। अच्छा, आज तक शायद मैंने ये बात कभी कही नहीं किसी को, मेरा मन वापसी का नहीं था, लेकिन उनने साफ शब्दों में कहा। और एक समय मैंने लगभग 40 दिन अनाज छोड़ दिया था, और मुझे भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं सबको भोजन बना के कराता था, और मुझे भोजन कभी लगता ही नहीं था कि मुझे भोजन करना है, और हमने जल पीकर चाय पीकर काम चलाया। हमारे गुरुदेव भी 89 से उनने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया था, फलाहार भी नहीं किया, चाय लेकर वो रहते थे। तो वो स्थिति कमोबेश मेरी निर्मित हो गई थी उन दिनों में। उन्होंने कहा आज तो तुम्हें अन्न ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे एक ग्रास खाओ। और उन्होंने तब मुझे कहा था कि हम तुम्हें साधु बनाने नहीं लाए, साधुता सिखाने लाए थे, वापस तो तुम्हें जाना पड़ेगा। यदि वो नहीं कहते तो आप? नहीं, मेरा मन तो था कि मुझे वापस नहीं आना, साधु बने। उस परिस्थिति में वो परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि उसमें वापसी जैसा कुछ था नहीं। हमने भाभी जी से पूछा था कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा बहुत संयमी है, तो संयम के बीच तभी से पड़ गए थे आप? नहीं, मैं शुरू से जैसे बिरला की रोटी खाना, बिरला की रोटी खाना, सादा भोजन करना, दाल रोटी खाना, सब्जी नहीं खाना, ये सब भी नहीं खाना, दूसरी दाल नहीं खाना, अरहर की दाल ही खाना, बाकी तो ये बचपन से था। अब इसको मैं कहूँ कि मुझे किसी ने सिखाया तो मुझे समझ नहीं आता। घर में तो दबाव होता था कि नहीं ये खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, मैं थालियाँ फेंक देता था। बाद वास्तव में जाके तो हॉस्टल में सुधरे, हमने 11वीं तक तो कभी चावल खाया नहीं, चावल खाना सीखा हमने मैस में जाके। अच्छा, हाँ, नहीं तो चावल नहीं खाया। तो हॉस्टल में सुधरते ही हैं सब? नहीं सर, अब जब कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए तो वही खाना पड़ेगा। रोटी आती नहीं थी, 40 लड़के बैठे हैं तो पता चला उतनी देर इंतजार, एक एक सबको मिलती थी, फिर लौट के आती थी, तब तक तो भैया चावल नहीं खा लो। और वो कैसा लगता था गाँव के पटेल के बेटे हो और वहाँ जाके एकदम सामान्य आदमी बन के वो रोटियों का इंतजार करना, और यहाँ? नहीं, वो तो घर में चूँकि सेवा का भाव था, और घर में हमको जूठे प्लेटें उठाना हमारे यहाँ सबको कंपलसरी था। मेहमान आया कोई आया तो नौकर होने के बावजूद भी जूठे बर्तन उठाने का रिवाज हमारे परिवार में था, कि बच्चे हैं तो आपको जाकर मेहमान की थाली उठाकर वहाँ रखनी पड़ेगी, साफ कोई भी करे। कोई परिक्रमावासी आएगा तो उसको वो देना है सदा व्रत, उसके लिए टाल नहीं सकते कि स्कूल जा रहे हैं। ये दो चीज़ें तो घर में शुरू से थी। जैसे गौशाला है, जूते पहन के नहीं जा सकते हैं, बाकी ये चीज़ें बचपन से सबके दिमाग में थी, इसलिए आज भी कोई हमारे यहाँ गौशाला में जूते पहन के नहीं जाता है। तो हाँ, तो वो ये चीज़ें तो अब रामायण का पाठ करना है तो दादाजी के भोजन के पहले मैं 5-2 बजे पढ़ता था और उनको मैं ही परोसता था, जबकि सबके ज़्यादा सब गुस्सा मुझसे ही होते थे, क्योंकि मैं तो कोई मेरी दिनचर्या तो थी नहीं। कभी मैं 1 बजे रात में आता था, कभी 2 बजे रात में आता था। तो दादाजी के बाजू में कम हम साथ साथ सोते थे अलग अलग एक कमरे में, तो वो हमेशा पर सुबह टोकते थे मुझे और बड़े आराम से कहते थे कि जब वो चिल्लाते थे आके, वो तो कभी घर में सोच के लिए नहीं गए, बाहर ही जाते थे, और लौट के आए और वो अपना लोटा मांझते रहते थे,
तब वहाँ से वो आवाज़ लगाते थे कि अरे राक्षस, तब तो हम उठ के आकर उनके बाजू में बैठ जाते थे। क्या बोलते थे? राक्षस बोलते थे, मतलब इतनी देर में सर होते हो। सर ये श्याम सिंह तोमर जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। सर एक तो ये कि राजनीति में आदर्श जो है वो गढ़े भी जाते हैं और आदर्श कहीं ना कहीं होते भी हैं, तो आप किसको आदर्श मानते हैं? एक तो ये कि आप किस जैसी राजनीति या किसको मानते हैं कि हाँ ये बहुत शुचिता वाला उदाहरण है राजनीति में, हालांकि दुर्लभ होते हैं पर होते हैं, एक सर। दूसरा सर पर्दे की एक कहानी जानना चाहते हैं हम। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आप CM बनने वाले, खूब चर्चा थी और खूब जो है बातें थी, क्या हुआ? ज़्यादा मिलनसारिता जो है आड़े आई या कुछ और बात थी, ये भी हम जानना चाहते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से मैंने पहले ही कहा कि प्यारे लाल जी से मेरा बहुत संबंध था और उनके कारण हम संगठनात्मक ढांचे की बारीकियों को सीख सके। जब निर्वाचन हुआ तो स्वाभाविक है कि अटल जी के संपर्क में आए, और उस समय अटल जी से बड़ा नेता कोई था भी नहीं, लेकिन संसदीय परंपराओं में अगर आज में कहीं विचलित नहीं हुआ तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अटल जी को जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें जो कहते थे वो कोई दृढ़ता से कहता नहीं है। वो कहते थे ये दिल्ली है, ये माया बाजार है, कब बिकना है तय कर लो, नहीं बिकना है या न तय कर लो, नए सांसदों को ये कहना। दूसरा, संसद में कैसे जीना, पीछे सीट मिली आगे सीट नहीं, सीट नहीं बदलना, सीट से ही बोलना, पूरे समय बैठना, और आप ही उतनी वोटों से चुनकर आए हो जितना दूसरा सांसद आया है, तो उसकी बात सुनो, बोलना ही ज़रूरी नहीं है। तो ये बारीकियाँ हैं जिसके कारण मैं आज तक कभी बेल में नहीं गया। उनका कहना था कि प्रोटेस्ट करने के लिए आप में क्षमता है, ये सामर्थ्य पैदा करो कि आसंदी और सदन आपकी बात को सुने, सीट आपकी कोई भी हो, आगे पीछे से कुछ नहीं होता। इतनी दृढ़ता से कहने के पीछे कारण तो लाइब्रेरी में जाके बैठना, बाकी चीज़ें करना, वो जीवन की चर्या आज भी मेरी कभी बदली नहीं। संसद में मुझे किसी ने किसी दूसरी सीट पर कभी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा, बेल में मैं गया नहीं, इसके पीछे सब डेट। मगर उन्हीं अटल जी के साथ आप मंत्री भी बने, उनके मंत्रिमंडल में, तो कैसा लगा कि जिन अटल जी को आदर्श मान के राजनीति कर रहे थे? मतलब उस समय बनना, मतलब जब मुझे अडवाणी जी का फ़ोन आया था तो मैं मारुति चला के जा रहा था अपने मित्र के पास में, तो बताया कि तो गाड़ी मैंने किनारे की, मैं ही गाड़ी चला रहा था उस समय, वो WLL चलते थे। जब उन्होंने कहा कि मंत्री बनना, तो मैंने कहा ठीक है, कहीं जाना नहीं है दिल्ली से बाहर, लेकिन अटल जी के साथ काम करने का कौन नहीं चाहता। मैंने एक बार अटल जी को कह दिया था कि बोलने का चलो भोजन करने चलते हैं, तो मैं उनको गाड़ी तक छोड़ने गया, प्राइम मिनिस्टर थे, मैं लौट के आ गया तो हरेन पाठक गुजरात के सांसद थे, बड़े बदतमीज आदमी यार, प्रधानमंत्री तुमको भोजन के लिए कह रहा, तुम उधर कह कर आ गए कि मैं तो भोजन करके आ गया। तो मैंने कहा मेरे उनके संबंध हैं ऐसे, मुझे उनसे कोई काम नहीं है। तो एक बार मैंने अटल जी कहा कि आप किसी को पहचानते हो राजनीति करने के लिए, उसके लिए पर्याप्त असेट है, तो आप मुझे पहचानते हो, बात ख़त्म है। तो ये चीज़ें जितनी सहजता से वो कहते थे, दूसरा नहीं कोई कर सकता। इनका एक बात छूट गई सर, मुख्यमंत्री आप बिल्कुल किनारे से नहीं, ये मुझे लगता है कि चर्चा जो होती है बाहर वो यथार्थ नहीं होती, कोई संभावना रही होगी, लेकिन उसमें कोई इन कारणों से हम नहीं बने या उन कारणों से नहीं बने। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा संतुष्ट आपने मुझे को देखा होगा, बहुत सारे लोग जरूर बड़ा अफसोस बना रहे थे मुझे छोड़कर, जबकि अफसोस मुझे मनाना था कि इतनी चर्चा के साथ में इन्वॉल्व होता, मैं कभी नहीं होता इन्वॉल्व। मैं मानता हूँ कि नियति अपना काम करती है, आपको अपना काम करना चाहिए। 3 बार के केंद्रीय मंत्री, और लोग तो यही उम्मीद करते थे कि आपका नंबर आएगा। और देखिए मैं जब भी मैं चुनाव लड़ा तो मैंने टिकट कभी मांगी नहीं, कभी मंत्री बना तो ऐसे ही बना, मतलब मैं किसी के पास नहीं गया, इसलिए मैं नहीं मानता कि कहीं ये जोड़ तोड़ से ऐसे हो जाता है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। लोग कहते हैं केंद्रीय मंत्री बनने का सबसे पहले आप शिवराज जी के घर गए। हाँ, क्या कहा? नहीं, हम लोग मित्र थे और मुझे लगता है कि वो थोड़ा उसमें शायद शिवराज जी को मंत्री बनना था, ये कहानी हम सुनना चाहते हैं। तो वो ऐसी चर्चा थी कि शायद शिवराज जी बनना चाहते, लेकिन मैं बन गया। और मैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने आपको बताया कि मैं तो कहीं और जा रहा था, डॉक्टर सक्सेना ही भोपाल के, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ITO की लैब में थे, तो जब मैंने जाकर अपने मित्रों को बताया तो चटने लगे वो, और आपको आश्चर्य होगा कि जो फोटो मेरा सफ़त का है वो एकदम पुराना करता है। अच्छा, चप्पल पहने हुए, बहुत साधारण सा, ऐसे ऐसे मोड़ के, तो मेरे पास कपड़े उस समय धुलने गए, पानी गिर गया होगा तो कपड़े थे नहीं, तो वो उसने अपनी डिक्की से स्कूटर से एक छोटा सा वो प्रेस निकाला, मैं तो अकेला रहता था, तो उसने अपना प्रेस रेस करके अपने पैसे शपथ लिए। तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मंत्री बनना था, सूट सिलवाना है। हाँ, ये देखिए ना, बड़ा मुड़े हुए,
ये एक दिन पहले हम कपड़े पहने हुए थे, जब नहीं था तो वो उसने हमारे डॉक्टर सक्सेना ही भोपाल का है, वो अपने स्कूटर की डिक्की से निकाल के लाया, उसने प्रेस करके सुबह और स्लीपर नीचे चप्पल पहने हुए हूँ। लग ही नहीं था क्या मंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, मंत्री ही है, उसने एकदम फोल्ड ओल्ड किए हुए हाथ और एकदम उस अंदाज में। नहीं, स्लीपर वो चप्पल पहने हुए हूँ उसमें। अच्छा, चप्पल पहने, चप्पल पहने हुए, जूते नहीं है। मतलब जैसे ऑर्डिनरी अपन रहते हैं, चले भाई अब शपथ लेने के लिए बुलाया है तो कोई भगाएगा तो नहीं ना, जैसे है कपड़े वैसे ही तो पहनेंगे। अच्छा, पर जो नर्मदा परिक्रमा है आपने दो बार की, एक बार फिर दोबारा भाभी जी के साथ, पत्नी के साथ, उससे क्या? वो हमारा कमिटमेंट है, वो दुनिया अलग है। जैसे आपने मुझे केस वाले चित्र मुझे बताया, देखिए सार्वजनिक जीवन में कोई सच्चाई स्वीकार नहीं करता। जब मैं इस भेस में था, जो तब भी मैं प्रहलाद पटेल था, लेकिन वो प्रहलाद पटेल और इस प्रहलाद पटेल में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, जो संयम उस समय था, जो हमारी ताकत थी, वो नहीं मानता कि आज मेरे पास है। मेरे पास अनुभव ज़्यादा हो सकता है लेकिन तप उतना है, मैं स्वीकार करता हूँ कि नहीं। तो चलिए, उसी से आपने कमाया और संयम पाया और ताकत पाई, तो वो ताकत अब राजनीति में काम आ रही है आपकी? नहीं, उस सामर्थ्य का राजनीति के परिणाम में कोई से कोई लेना देना मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने इष्ट के पास या अपने गुरु के पास कभी भी पद मांगने नहीं गया, भगवान के पास भी नहीं गया कि मुझे चुनाव जिता दो। मैं हमेशा ये मानता था कि साधनिक जीवन में जब आप रहते हैं तो जो गलतियां आप करते हैं उन्हें नहीं सुधार पाते, जो आपकी जानकारी में नहीं होती उन्हें तो सुधार ही नहीं पाते। जब आप लोगों के सहयोग से जीतते हो, यश प्राप्त करते हैं, तो उनका किया हुआ अच्छे का परिणाम जब आप भुगतते हैं तो उसकी गलतियों का परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और जो दूसरी हमारी परिक्रमा थी वो सिर्फ बच्चों को इस अभिशाप से बचाने के लिए थी। हम दोनों पति, मैंने पत्नी ने जिद की हमसे, लेकिन मैं ये मानता था कि मेरे किए हुए किसी भी कार्य का परिणाम मेरी औलाद ना भुगते, और मैं इन परंपराओं को दृढ़ता से मानता हूँ। जैसे मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर तीसरी पीढ़ी में एक परिवर्तन आता है, सबकी सभी के साथ होता है। एक अच्छा है, एक अच्छा व्यक्ति होगा, बाकी परिवार में कुछ गड़बड़ होगी। अब पुण्याई किसकी भारी पड़ती है ये तय है, पर हर तीसरी पीढ़ी में बदलाव हर परिवार में मिलेंगे, अब कोई माने या ना माने। तो ऐसे मैं ये मानता हूँ कि जब आप करते हो तो आप लोकतंत्र है, सबके सहयोग से ही आप बने हो, तो फिर आपका साथी गलती करेगा तो सिर्फ औलाद तक सीमित नहीं होगा, उसका पाप भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो आप नहीं भुगतोगे तो आपकी संतान भुगतेगी। मतलब ये भर्तृहरि के नीति शास्त्र का सबसे सुंदर वाक्य है। आपने दर्शन शास्त्र में भी एमए किया है? हाँ, मैं एमए नहीं कर पाया, प्रीवियस एलएलबी की है मैंने, पर दर्शन शास्त्र के एमए के बाद स्तर तक रख दी गई थी तो मैंने फिर डिग्री नहीं की। ये इलमान जी हमारे आउटपुट प्रोड्यूसर हैं। इलमान जी, क्या पूछना चाहते हैं पहले? सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि प्रहलाद पटेल देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो अटल आडवाणी युग में भी बने हुए थे और जो मोदी और शाह युग में भी बने हुए थे। प्रहलाद पटेल के पास में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि वो लगातार बने रहते हैं? मेरे गुरुदेव बोलते थे ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि अलग से कोई सोचना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि जोड़ तोड़ से आप कोशिश करते हो, लेकिन जब मैं छात्र नेता था या मैं शुरुआती मेरी राजनीति मुझे बहुत मुकदमे थे, तो जैसे ही FIR होती थी मैं कभी किसी नेता अधिकारी के पास नहीं जाता था। मैं कहता कोर्ट में भेजो, क्योंकि एक बार आप पर FIR हो गई, वो सही हो या गलत हो, न्यायालय कोर्ट को करना है, तो इनके सामने नाक क्यों रगड़ना है? फार्मूला नहीं बताया सर आप। नहीं, फार्मूला ये है कि आप ईमानदार रहिए और अपने सिद्धांत के प्रति स्थिर भाव से रहिए। जब किसी के सामने घुटने टेकने का कोई कारण नहीं है, आपने आप अपनी जगह पर ठीक है, आगे बढ़िए। सर, एक दूसरा सवाल, 12 दिसंबर 2023 को आपके दिमाग में क्या चल रहा था? चूंकि मुख्यमंत्री की रेस में आपका नाम बहुत आगे चल रहा था, लगातार खबरें चल रही थी कि श्यामला हिल्स में प्रहलाद पटेल पहुंचने वाले हैं, क्या कहना है इस पर आप? अभी प्रश्न पूछा था मुझसे, टीवी चैनलों में जो चलता रहता है उससे ज़्यादा प्रभावित होने का काम नहीं है। मुझे लगता है कि जो संदेश आपको लेने आप उससे लीजिए, लेकिन एक बात अच्छी तरह से मानिए कि नियति अपना काम करती है, और इसलिए जीवन में इसके प्रति इतना वो हो जाना। जैसे मैं पहले भी केंद्र मंत्री था या पार्लियामेंट में था, मेरे को कभी नोटिस नहीं मिला इसके पहले मैंने अपने घर छोड़ दिया। इतना लगाव या इतनी चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
हमको बिल्कुल निष्काम भाव से रहना चाहिए। जो दायित्व तो मिला है ये चीज़ें किराए की हैं। मैं अटल जी से ये बात सीखता हूँ। अच्छा। एक बार मैंने उनसे कहा कि जब बंगारू लक्ष्मण जी वाला मामला हुआ था कि देश को संबोधित करिए, हम जिद करके गए थे उनके पास, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास को कह दिया था किराए के मकान से ऐसी अपेक्षा करते हो कि यहाँ से बैठ कर मैं देश को संबोधित करूँ। मैं इनका भरोसा है आपकी तरफ। तो मुझे लगता है कि सरकारी सुविधाएं या पद जो भी मिलते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, तो इनके प्रति इतनी आसक्ति बना लेना मैं नहीं मानता कि ठीक है। और शायद यही लोगों के क्लेश का कारण भी है, वो जो जोड़ तोड़ करते हैं। हम नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि मैं नहीं मानता कि मुझसे जो मुझे मिलना है उससे ज़्यादा मुझे मिले, इसके लिए नहीं। इसलिए मैं कभी इन मार्गों पर भी नहीं जाता कि इसकी पूजा करा दो, इसका पाठ करा दो। हाँ, मैं भक्त हूँ, लेकिन भक्ति का आधार ये है कि मैं अपने रास्ते से ना भटकूं कि उसका परिणाम मेरी औलाद भोगे, इसके लिए मैं तैयार नहीं। सर, ये विवेक हैं हमारे अच्छे साथी हैं। विवेक, सर मेरा एक सवाल है। सरकार में कई मंत्री रहे, कई सारे घटनाकांड हुए, हरदा ब्लास्ट मामले में आपने सवाल उठा दिया अपनी सरकार में ही और ये कहा कि जांच बेहतर नहीं की है, ये क्या पूरा घटनाक्रम था? उस जांच को लेके आपने क्या आखिर उसमें कमी पाई और जांच को लौटा दिया और कहा कि इसको फिर से रिवाइज करके जांच रिपोर्ट पेश की जाए? नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरी सरकार का दोष नहीं है। जब आप 2015 में एक ब्लास्ट होता है, 22 में दूसरा होता है, 23 में तीसरा होता है, एक ही जगह पर तीन ब्लास्ट का मतलब है कि हम पर क्वेश्चन मार्क है। विभाग मेरा, मैं मजदूरों के बीच में काम करता रहा हूँ देश में। आप 15 में ब्लास्ट के लिए आपका अधिकारी गवाही देने नहीं जाता और उसके बाद में जज स्ट्रक्चर पास करता है और उसके बाद भी आपको ये पता नहीं चलता, फिर तीसरा ब्लास्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, जब आप इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, आप घायलों से पूछ रहे हो कि आप एम्प्लाई हो, आपके पास में कोई पेपर नहीं है। अगर कोई भी इंडस्ट्री चल रही है तो इनिशियली SP, कलेक्टर, रजिस्ट्रेशन उसका हो या ना हो, लेबर ऑफिसर, आपको इन्फोर्समेंट का अधिकार है। तो आप कोई खतरनाक श्रेणी की इंडस्ट्री को ऐसे कैसे चलने देना चाहते हो? तो आपके पास में सूची ही नहीं है, लिस्ट नहीं है किसी के पास, और दो दो ब्लास्ट के बाद भी अगर एनरोलमेंट आपके पास नहीं है और उसके बाद आप घायलों की संख्या लेकर आओ, तो मैं कैसे स्वीकार करूंगा? इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, सवाल इसलिए भी जरूरी है सर, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार किस एंगल पर जांच करा रही है? क्या ये श्रम विभाग से पूछा जा रहा है कि इस पूरी फैक्ट्री को लेकर मजदूरों की पूरी जानकारी है क्या श्रम विभाग के पास? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल पे होना है, क्योंकि अभी तक इसकी ये जानकारी नहीं आई है कि कितने लोगों की अभी तक डेथ हुई है, इसलिए एम्प्लॉयज का होना भी बहुत जरूरी है इस जाँच में। पुराना माने तो बताऊँ, इसमें तो चौथा स्तंभ भी कट गए। में आखिर आप बताइए। मुझे लगता है कि देखिए, एक ब्लास्ट के बाद मुकदमा चला, लेबर डिपार्टमेंट का अधिकारी गवाही देने नहीं गया और आप उसका स्ट्रक्चर पढ़िए न्यायाधीश का। दूसरा ब्लास्ट हुआ, पता ही नहीं चला। तीसरा तो इसके फैसले के जब वो वरी हो गए तब हुआ। इन तीनों इंसिडेंट के समय उसके पास लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस होता है तब लेबर अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, उसके पास इंडस्ट्री का लाइसेंस नहीं था। तो इसमें जवाबदेह सब लेबर अधिकारी नहीं है, ये तो तीसरे नंबर पर है। SP क्या कर रहे थे, कलेक्टर, यही मैंने बात कही है, ये लीगल तरीका है। दूसरा, आपके पास में सूची नहीं है तो आप एम्प्लाई किसको मानोगे कि मरने वाला कौन है और घायल कौन है? कोई मुँह से कह रहा है घायल व्यक्ति कि मैं एम्प्लाई हूँ, इस रिपोर्ट को मैं कैसे स्वीकार करूँगा? मैंने देश में मजदूरों में काम किया है, वेलफेयर की जिम्मेदारी मेरी है। आप मजदूर संघ में भी रहे हैं। मतलब 4 साल मैंने काम किया है। तो जब पहले दिन ही मैं उसकी ले रहा था रिपोर्ट, जब हमने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, तो मैं उसकी बोले तभी मैंने पूछा था कि भाई इसमें खतरनाक और अति खतरनाक श्रेणी की कितनी सूची में वो है। शायद ये उनका दुर्भाग्य था, मैं पहले दिन ही मैंने ये बात पूछी थी कि ये सूची कहाँ है, तो उनके पास सूची नहीं थी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे लगता है कि आगे जाएंगी। इसलिए जिस जो आदमी गवाही देने नहीं गया वो मेरे विभाग का अधिकारी था, उसका सस्पेंड करना ज़रूरी था। फिर उसको, चूँकि मैं नहीं चाहता, मैं टर्मिनेशन की कार्रवाई तभी हो सकती थी, जो उसका स्ट्रक्चर उसके खिलाफ है उसमें टर्मिनेशन की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट में चले जाते हैं लोग। तो 15 दिन में उसको नोटिस देके हम पहले उसका वर्जन ले लें और उसके बाद फिर कार्रवाई करें। मुझे लगता है ये अपेक्षा आपसे ही की जा सकती थी कि इतनी सख्ती बरतें और अब सरकार के इन तमाम पुरानी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। नहीं जी, आवाज़ उठाने जैसा नहीं, सिस्टम को दुरुस्त करना ही मंत्री की जिम्मेदारी है। सरकार का मतलब सरकार होती है, तो मुझे लगता है कि कोई गलती कैसे छूट सकती है आपकी नज़र से। और मैं शायद ये मानता हूँ कि मैंने मजदूर क्षेत्र में काम किया था, इसलिए शायद ये बारीकियाँ मुझे पता थी, तो आसानी से वो पकड़ में आ गई। तो जो हमारा डायरेक्टर था, मैंने उससे भी वो डिक्लेरेशन मांगा कि आपने साल भर में क्या किया। जब आप सेफ्टी के डायरेक्टर हैं
तो आपने किया क्या है? जब नहीं किया तो फिर उनको भी सस्पेंड किया। अब जनता ऐसे हो रहे कि ऐसे धमाके ऐसे खतरनाक इंडस्ट्रीज पर सख्त नजर रखी जाएगी। एक सूची मांगी है जो हमारे विभाग के पास नहीं थी, अब इंडस्ट्री विभाग ने वो सूची मुझे आज उपलब्ध कराई है, लेकिन उसमें एक दो जानकारियाँ गलत थी। मैंने फिर उसको वापस किया है कि मेरी जानकारी में ये इंसिडेंट्स हुए हैं और उसमें जीरो इंसिडेंट बताया गया है। तो एक बार अभी की जस्ट में आते आते हुए देख रहा था, वो कार्रवाई सतत चलेगी क्योंकि मुझे लगता है कि लीकेज को ख़त्म करना चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल हम प्रत्यक्ष से लेते हैं। प्रत्यक्ष क्या पूछोगे? सर, हर पिता का सपना होता है कि वो अपने बेटे के लिए जो सोच रहा है, देख रहा है, वो उसको साकार होता हुआ देखे, बेटा भी ऐसा ही करता है। सर, मुलायम सिंह पटेल जी ने कई बार ऐसा अपनी इच्छा जाहिर की है कि आपको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं बोल सकते। मेरे पिताजी बिल्कुल अलग स्वभाव के व्यक्ति है। मतलब जब मैं केंद्रीय मंत्री बना था तो वो खेत से आ रहे थे, तो लठ रखते थे और साइकिल से आते थे वो, और कभी भी कि कोई पूछ रहा है तो वो ड्रेस बदल दें ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि वो पढ़े लिखे आदमी थे। मगर उनने जो जवाब दिया था तब जब मैं केंद्रीय मंत्री बना, तो उनने कहा कि आपका एक बेटा MLA तमन्ना बन गए थे MLA, एक मिनिस्टर है और आप अभी खेत से आ रहे हो, और एक हमारे जो बड़े वाले भाई थे वो डायरेक्टर थे गेल में। तो उनने कहा कि पहला नौकरी करता है, दूसरा खेती करता है, बीच वाले मतलब मुझे उनसे पूछना है कि जब वो चुनाव हारते हैं तो रोटी कौन खिलाता है। तो मुझे लगता है कि उनमें बिल्कुल क्लियरिटी थी। जब हम बचपन में थे तो शहीदों के अलावा बाकी नेताओं के कोई फोटो वोटो नहीं बताते थे। तो उनका मिजाज तो मैं नहीं मानता कि वो कभी उन्हें भूल से भी कहा होगा कि बेटा मेरा मुख्यमंत्री बन जाए। एक और सर, युवाओं के बीच में सर बियर्ड और हेयर स्टाइल को लेकर के काफ़ी चर्चा रहती है सर आपकी। आप आज के डेट में भी सर बड़ा अच्छा बियर्ड और हेयर स्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, कैसे सर? हमने हॉस्टल के समय हम कभी दाढ़ी खुद से हमसे बनाते बनती नहीं थी, कोई बाहर से, गांव में ब्रजेश जी को पता है हम लोगों के यहाँ घर में नाई आता था, वो घर में बनाता था, तो मैंने तो कभी बनाया ही नहीं। तो पढ़ते तो शादी में मतलब कि शादी के समय एक आध बार बनी होगी, नवरात्रि के पहले मैं एक बार साफ कराता था, लेकिन 9 दिन में वो फिर बढ़ जाती थी। 9 दिन में मैं मौन रहता था, घर में साधना करता था, तो लोग मुझे देखते नहीं थे। तो मैं हर नवरात्रि के एक दिन पहले साफ कराता था और 9 दिन में वो बढ़ दस की दस हो जाती थी, तो किसी ने मुझे ऐसे देखा नहीं। एक आध फोटो होगा मेरा, फोटो आपकी शादी वाला, शादी वाला ही होगा। एक आपके और मित्र हैं गोटे गांव के, सुनाओ जरा क्या बोलते हैं। यहीं बैठते थे, उसमें 3-4 लोग ऐसे थे जो तैरना नहीं जानते। पहला भाई इतने कमजोर थे कि 9 दिन के तो वो निर्जला थे बिल्कुल, तो उसके बाद भी उनने तैर तैर के सबको बचाया था। अच्छा, वो बहुत बड़ी नंदा के नाव पलट गई थी, मैं निर्जला उनकी जो तो उसको दिलेरी कहना चाहिए या हौसला है ना, वो कभी कम नहीं होता। दूसरों के लिए हमेशा वो सही में मदद करने को तैयार है। तो कैसा लगता है आप सारे साथी लोग आपको ऐसे याद करते हैं? अच्छे साधक है, और मैं इनकी पट्टी पे बैठ के मैंने राजनीति शुरू की। पान ठेला था इनका, वसू भाई का, तो एक पट्टी होती थी जिस पर डंकी क्लब, हमने एक डंकी क्लब बनाया, तो उसमें बैठते थे। डंकी मतलब गधा, और बाकी गधे का फोटो वो सब। और जब मैं सांसद बना तो सबसे अच्छा स्वागत तो जो दरवाजा गेट बनता था ना, सबसे अच्छा डंकी क्लब ने बनाया। हाँ, और ये सारे लोग पैसे इकट्ठे करके मुझे दौरे के लिए पैसे देते थे, तो इन्हें अगर 400 रुपये इकट्ठे करके मुझे दिए तो मेरा पेट्रोल का खर्चा ही भर होता था, तो उतना खर्च हुआ तो वापस आके पैसे करता था। जब वापस तो उसकी फिर जलेबी खरीदी जाती थी, फिर हम लोग जलेबी खाते थे, तो खोवे की जलेबी गोटेगांव की फेमस है। तो ये डंकी क्लब का योगदान बहुत है मेरे प्रवास में, सारा खर्चा ये उठाते थे, मैंने पार्टी से कभी पैसा नहीं लिया। एक शादी वाली फोटो दिखाई आपकी, ये लास्ट वाली जैसा बिना दाढ़ी के दिख रहे हैं। ये गाड़ी एक या दो अवसर होंगे बस ऐसे। हम लोग ने भाभी जी से पूछा था कि शादी हुई तो आपको, तब तो आप 2 बार सांसद रह चुके थे, शादी के पहले दो चुनाव लड़ चुका था, दो चुनाव लड़ चुके थे, और भाभी जी का कहना है कि मेरी तरफ से आप कह सकते हैं कि प्रहलाद जी नारियल सरीके के हैं, ऊपर से जितने सख्त लगते हैं अंदर से उतने मुलायम उतने गहरे भी हैं, और बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होने देते। तो ये सब कैसे बैलेंस कर लेते हैं राजनीति और परिवार? नहीं, मुझे लगता है कि परिवार का संबल बहुत बड़ा होता है। मेरी सफलता में मेरे माता पिता का योगदान है, और जब मैं शादी होकर मेरी आई तभी से स्वामी जी से संघर्ष शुरू हो गया था। तो जितना बुरा समय मेरी पत्नी ने देखा है, किसी
कि प्रधानमंत्री ने नहीं देखा होगा, शायद हम कभी साथ रहे नहीं। हम रात में 2-3 बजे 4 बजे आते थे, श्री वासुदेव जी के वहाँ चले जाते थे, वापस आते थे, और वो बेचारी कुछ बोलती नहीं थी। ये बात सही है, चलता था, तो वो परिस्थितियाँ अलग थी। हाँ, पर तो कभी सोचा था परिस्थितियाँ ऐसी बदलेंगी, ऐसे दिन भी आएंगे? नहीं, मेरे दिन ऐसे रहे कि हर 2 साल कभी एक से रहे नहीं, तो मुझे इन विपरीत अनुकूल परिस्थितियों का बहुत फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं मंत्री भी बना तो मुझे कोई अंतर नहीं आया कभी। बड़े पारिवारिक आदमी हैं, पिताजी माताजी। मैं जैसे अष्टमी के हमारे यहाँ पूजन है, तो मैंने कहीं से भी चुनाव लड़ा, मैं बोलता था त्यौहार में अपने माता पिता के साथ करूँगा। मैं कभी सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, मगर मैं त्यौहार हमेशा किसी ने भी देखा होगा तो माता पिता के साथ ही देखा होगा। उस मामले में मेरी निष्ठा कभी नहीं बदली, और मैंने साफ कहा कि आप चुनाव जिताओ या हराओ, त्यौहार में गोटेगांव भी करूंगा। परिवार के प्रति आपके अनुराग माने सबसे नहीं, इतने ही कर सकते थे, बाकी तो हमने कुछ किया नहीं। सर, ये विदिशा के हैं आपके ससुराल के, क्या पूछे? मैं यही पूछने वाला सर, परिवार की इतनी बातचीत हो रही है, ससुराल वालों से कितना प्रेम है सर? विदिशा से जैसे शिवराज जी का नाता, तो आपका भी एक अलग नाता है। वैसे ससुराल वालों ने मुझे खूब झेला। मैं जब यहाँ पर भोपाल, तो मैं रात गिनती के बाद रुका हूँ, तो मैं कभी भी एक मैंने मन में तय सा कर लिया था कि मैं भोपाल रात नहीं रुकूँगा। तो शायद मैं 10 से 12-15 साल कभी भोपाल में मुझे मैं रात नहीं रुकाऊँ, या 20 साल भी होंगे, मैं शायद कभी भोपाल में रात नहीं रुका। चाहे मैं कितनी देर रात जाता था, मैं विदिशा जाके सो जाता। क्या पसंद है सर विदिशा में खासतौर पर? देखो ससुराल के अलावा आप तो घूमते हो बहुत दूर से। शिवराज जी के चुनाव के समय से लोग मेरे परिचित हैं, मैं पार्टी का काम करने गया था, शिवराज जी के चुनाव में मेरी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, तो पूरे ज़िले में लोग मेरे परिचित हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि मैंने इतने वर्षों में मैंने विदिशा में राजनीति नहीं की। एक भी एक युवा मोर्चे की बैठक लेने गया था, शादी के बाद एक बार मुझे पर्यवेक्षक बना कर पहुँचाया था, उसको छोड़ दें तो मैं किसी पार्टी के कार्यक्रम में विदिशा में नहीं गया। तो ऐसी कोई खास शर्त या कोई झिझक नहीं सर? नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ पर आपके रिश्तेदार हों वहाँ उस चीज़ों से हट जाना चाहिए। जैसे मैं नरसिंहपुर जिले में मेरे हस्तक्षेप कभी नहीं था, कोई मुझे बोल नहीं सकता कि मैं स्थानीय लोग उस पर बोलता हूँ। और केंद्र में 3 बार केंद्रीय मंत्री रहने के बाद मध्य प्रदेश में मंत्री बनना, कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं? कुछ अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं? आपको उस अनुभव का लाभ मिल रहा है? नहीं, अटल जी बोलते थे जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, सामान्य तौर पर जीना चाहिए, जो मिले उसे करना चाहिए। आपको ज़िंदगी भर पद पर नहीं रहना है, ये पहले दिन तय कर लेना चाहिए। इसलिए कोई आपको जिम्मेदारी क्या देगा, किसने आपको बेइज्जत कर दिया, किसने नीचे ऊपर, ये झंझट तब आती है जब आपका मन बन जाता है। जब आपने तय कर लिया कि मुझे अपने मुकाम पर रहना है, तो फिर जरूरत क्या है किसी। पहले जब हम स्टूडियो में आए, कुछ हम लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? विस्तार और विस्तार ले, यही भगवान से प्रार्थना है। आपको शक्ति भी मिले और भक्ति भी मिले, और हम आप समाज की बेहतर सेवा कर पाए। सच को सच कहने का साहस बना रहना चाहिए, मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर आस्त नहीं। क्या ब्रेक के बाद आएंगे? मतलब मैं जब संघर्ष में था तो 3 अवसर आए, तो उन्होंने 3 वाणियाँ कही। पहला यही कहा जब सबसे पहले CBI का हमला हुआ, और बहुत बुरा समय था, तब उन्होंने बुला के मुझे कहा कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर आस्त नहीं हो सकता। फिर सब प्रयास हो गए, विफल हुए, तो मैं निराश भी था और गुस्से में भी था, तो उन्होंने कहा कि सत्य प्रस्तुति के लिए, स्तुति के लिए नहीं, किसी के दरवाजे जाना मत। और मैं नहीं गया, बाकी सब लोग गए, ये राकेश जी वगैरह सब लोग गए। मैंने पैसे की भी कोशिश की कि लोगों को मना लें, लेकिन मैं किसी के दरवाजे नहीं गया। पर आखिरी में जब वो जेल में जब प्रणाम आने लगा कचहरी का, उस समय मैं बहुत तनाव में था, तो उन्होंने मुझे 4 दिन पहले कहा और कि सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है। और बाद में रिजल्ट आया, तब भी मुझे भरोसा नहीं हुआ था जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ गया, तो स्वाभाविक है अपने मन सारे मामलों से भरी हुए। नहीं, वो मेरे गुरुदेव पर ही था मामला, मेरे मामले में तो मैं भरी हुआ क्योंकि वो सारे झूठे थे, उसमें झंझट में नहीं थी, मैं किसी के पास गया नहीं कभी। चलिए, आपने हम लोगों को बड़ा मूल मंत्र दिया कि सत्य परेशान हो सकता है परास्त नहीं हो सकता। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सत्य के साथ रहें, जनता के साथ रहें और नई नई ऊंचाइयां छुएं, हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद जी, जो विस्तार न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आए, गेस्ट न्यूज़ रूम बनके। अगली बार हम किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं विस्तार। सबको नमस्कार भैया।